हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऐसी कई रिपोर्ट आ रही है जिसके हिसाब से जो इंडियन एयर फोर्स है वो जो 21 मिग 29 खरीदने वाली है उनके यूपीजी अपग्रेड में एईएसए रडार की मांग करने वाली है। तो अभी यहाँ तक जो बात है वो मांग करने की बात है, डिमांड करने की बात है। उसके बाद वो डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और एक्सेप्ट कर भी लें तो ये जो रडार है वो पुराने RD-33 सीरीज़ के इंजन के साथ कंपैटिबल होगा नहीं होगा वो भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो डील साइन होती है उसमें ये सब जो डिमांड्स हैं वो डाली जाती हैं कि नहीं डाली जाती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं और एक AESA रडार लग जाता है तो उसके बाद उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो जो रडार लग सकता है वो फेजोट्रॉन का जूक AM या फिर AME है। तो ये जो फेजोट्रॉन कंपनी है उसने शुरुआत में जूक AESA रडार बनाया था जिसको आगे फर्दर डेवलप किया गया और दो वेरिएंट निकल कर आए, जिसमें पहला था FGA-29 जो कि छोटा था और उससे बड़ा था FGA-35। तो ये जो FGA-29 था उसमें 680 TR मॉड्यूल्स थे और इसकी जो रेंज है वो करीबन 150 किलोमीटर थी 3 मीटर² ऑब्जेक्ट के लिए। और जिससे बड़ा FGA-35 था उसमें 1016 TR मॉड्यूल्स थे और उसकी जो रेंज है वो करीबन 250 किलोमीटर की है 3 मीटर² ऑब्जेक्ट के लिए। और ये करीब 30 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है और 6 को एक बार में इंगेज कर सकता है। बाद में आगे चलकर इसी रडार को अपग्रेड किया गया और जूक AM करके एक रडार सामने आया। इसको FGA-50 भी कह दिया जाता है और ये करीबन 30 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है और 6 कोई की बार में इंगेज कर सकता है। और जो ट्रैकिंग रेंज है वो करीबन 260 किलोमीटर है 3 मीटर² ऑब्जेक्ट के लिए और 300 किलोमीटर के ऊपर है 5 मीटर² ऑब्जेक्ट के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी रडार की जो मांग करी जाएगी। और 2015 के एयरो इंडिया में फेजोट्रॉन ने इस रडार को शोकेस भी किया था जहाँ पर ये HAL तेजस के लिए इसको पुश कर रहे थे। तो क्योंकि ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार है तो इसका जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो RD-33-3 सीरीज़ के इंजन MiG-29 UPG अपग्रेड में लगाए जा रहे हैं वो इनको पावर कर पाते हैं या नहीं। तो एक गैलियम नाइट्राइड वाला भी वर्जन है जिसे मार्क्स 2013 के एयर शो में दिखाया गया था। ये 960 TR मॉड्यूल्स के साथ आता है और 200 किलोमीटर की रेंज है इसकी 3 मीटर² ऑब्जेक्ट के लिए। और ये करीबन 130 किलो का रडार है जो कि काफ़ी हल्का रडार है और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो AESA रडार्स हैं उनके मुकाबले कम होगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है और इसको इंटीग्रेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके लग जाने के बाद जो MiG-29 UPG है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट बन जाएगा। तो MiG-29 की जो कुछ खामियाँ थी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के कंपेरिजन में उनको काफ़ी हद तक कवर कर लिया गया है MiG-29 अपग्रेड के माध्यम से। और ये जो रडार वाला इशू था वो भी AESA लगने के बाद पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ पर ये MiG-29 पहले लैग करता था अब वही इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो क्लोज रेंज में वैसे भी MiG-29 को टच करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो इसकी मनवरेबिलिटी है और जो R-73 मिसाइल है जिसे हेलमेट माउंटेड साइड से स्लेव किया जा सकता है वो किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट में आराम से हरा सकता है। तो MiG-29 UPG की सबसे बड़ी कमी थी इसके एवियोनिक्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज के वेपन्स जो कि MiG-29 UPG अपग्रेड के बाद मॉडर्न स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो अब ये आगे चलकर अस्त्र मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा और जो रशियन R-77 मिसाइल के लॉन्ग रेंज के वर्जन हैं उनको भी ये फायर करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ AESA रडार लग जाने के बाद जो इसकी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो पाकिस्तान के F-16 अपग्रेडेड हैं उनसे बेटर हो जाएगा परफॉर्मेंस में। और साथ ही साथ जो इंडियन मिराज 2000 अपग्रेडेड है उनसे भी एयर टू एयर कॉम्बैट में ये बेटर निकलकर सामने आएगा। पर यहाँ पर कुछ क्लेम ऐसे हो रहे हैं कि ये जो MiG-35 है उसके स्टैंडर्ड का बन जाएगा जो कि पूरी तरीके से गलत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट MiG-29 हो जाएगा जो कि ये अभी भी है, पर MiG-35 एक कम्प्लीटली डिफरेंट एयरक्राफ्ट है। जो MiG-35 है वो MiG-29M फैमिली को बिलोंग करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्यूल कैरी करता है। डोर्सल के पास जो एयर इनटेक है उसको भी हटा दिया गया है, वहाँ पर अब ये फ्यूल कैरी करता है। साथ ही साथ जो एयर इनटेक की अरेंजमेंट है, नोज़ की अरेंजमेंट है, फ्लैप्स की अरेंजमेंट है, सब कुछ बदल दी गई है। दिखने में दोनों एक जैसे ज़रूर लगते हैं लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो दोनों में काफ़ी अंतर है।
साथ ही साथ जो MiG-35 है उसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, वहीं पर जो MiG-29 है उसमें फ्लाई बाय वायर नहीं है। लेकिन जो एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है MiG-29 की वो इतनी अच्छी है कि बिना फ्लाई बाय वायर के भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और यहाँ तक कि जो क्लोज रेंज है उसमें वो F-16 को भी अच्छा खासा चैलेंज कर सकता है और शूट कर सकता है बिना फ्लाई बाय वायर के। वहीं पर जो F-16 है उसका जो फ्लाई बाय वायर है वो इनिशियल टाइम से बनाया गया है, तो उसमें लो स्पीड की लिमिटेशन है, तो जो F-16 का फ्लाई बाय वायर है उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ जो MiG-35 का इंजन है वो काफ़ी डिफरेंट है उस इंजन से जो कि MiG-29 में लगा हुआ है। ये पावर तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता ही है, साथ ही साथ फेडेक कंट्रोल के साथ भी आता है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है, और जो सर्विस लाइफ है वो भी ज़्यादा है। वहीं पर अगर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी MiG-35 की ज़्यादा है MiG-29 के कंपैरिजन में। तो AEA से लगने के बाद जो MiG-29 है वो काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट बन जाएगा, पर MiG-35 तब भी काफ़ी मामलों में उससे बेटर है, चाहे एवियोनिक्स की बात कर लें, चाहे एरोडायनामिक परफॉर्मेंस की बात कर लें, और चाहे वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लें, और चाहे आप उसकी रिलायबिलिटी की बात कर लें। तो MiG-29 और MiG-35 में कितना अंतर है इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे MiG-29 UPG का वीडियो प्ले होगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले MiG-29 लिए थे जब वो बनकर तैयार हुए थे, इंडियन एयरफोर्स पहला उसका एक्सपोर्ट कस्टमर था, तो वो इनिशियल वर्जन्स लिए थे MiG-29A के, उनको बाद में मॉडर्नाइज किया गया MiG-29 UPG पर। तो ये एयरक्राफ्ट कैसा है, क्या क्या अपग्रेड्स किए गए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो MiG-29 फाइटर्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था 1985 में काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को, जिसने F-16A और B वर्जन की डिलीवरी 1983 में ही ले ली थी यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इनिशियली 66 MiG-29s का ऑर्डर था, उसके बाद ये नंबर कुछ बढ़े और कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश भी हुए, अल्टीमेटली 69 MiG-29s को अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से जो 6 MiG-29s हैं वो रशिया में अपग्रेड हुए और बाकी के इंडिया में हो रहे हैं। कुछ खबरों की माने तो 21 MiG-29 IAF और ख़रीदने जा रही है जो कि डिसअसेंबल्ड हैं और 1980s से वैसे ही पड़े हुए हैं, उनको UPG स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा, और जो डिप्लीटिंग स्क्वाडन संख्या है उसकी बढ़ोतरी में कुछ मदद मिलेगी। तो MiG-29 UPG की जो मुख्य चीज़ें थी वो थी नया रेडार, इंजन की लाइफ एक्सटेंशन, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, कन्फर्मल फ्यूल टैंक लगाकर रेंज बढ़ाई गई, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब लगाया गया, नया ग्लास कॉकपिट, नया नेविगेशन सिस्टम, हेलमेट माउंटेड साइट सिस्टम, और एयर टू ग्राउंड रोल परफॉर्म करने की क्षमता दी गई जो कि पहले नहीं थी। तो ये जो MiG-29 UPG अपग्रेड है इसे हम कह सकते हैं कि ये फर्दर एक्सटेंशन था MiG-29 SMT अपग्रेड का। तो इसको हम विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेडार से। तो इसमें जो रेडार लगा है वो फेजोट्रॉन का ZOOK ME रेडार है जो ये शेयर करता है MiG-29K के साथ, पर जो MiG-29 UPG में लगा है ये उस रेडार का M2E वर्जन है, और जो MiG-29K में लगा है वो M1E है। तो ये जो वर्जन है UPG वाला, इसकी प्रोसेसिंग पावर बेटर है, तो ये बहुत जल्दी ही प्रोसेस करके जो डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स हो गए या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है। साथ ही साथ 30 से 50 मीटर की दूरी में उड़ रहे एयरक्राफ्ट में डिफरेंशिएट कर सकता है और तेज़ी से। जो इसकी डिटेक्शन रेंज है वो 5 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए 120 किलोमीटर्स है। साथ ही साथ ये एक बार में 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 4 को एक बार में इंगेज कर सकता है। एयर टू ग्राउंड रोल की बात करें तो ये 25 किलोमीटर दूर से टैंक को डिटेक्ट कर सकता है, 120 किलोमीटर की दूरी से एक ब्रिज को डिटेक्ट कर सकता है, और 300 किलोमीटर की दूरी से एक शिप को डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं रडार के डिटेक्शन एनवलप की। तो उसका जो स्कैनिंग एरिया है वो है ±85 degrees इन एजिमथ, मतलब कि साइड बाई साइड ये ±85 degrees तक स्कैन कर सकता है, और एलिवेशन में ये +56 से लेकर -40 degrees तक स्कैन कर सकता है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम लगाया गया है जिसे OLS-EM कहते हैं। तो ये सिस्टम MiG-29K और MiG-35 में भी लगा हुआ है। तो इसका जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम है वो कैपेबल है 55 किलोमीटर्स दूर टारगेट को
डिटेक्ट करने का, और कवरेज देता है एजिमथ में प्लस माइनस 90 डिग्रीज की, यानी कि साइड बाय साइड 90 डिग्रीज को स्कैन कर सकता है टारगेट के लिए, और एलिवेशन में इसकी रेंज है प्लस 60 से माइनस 15 डिग्रीज की। तो ये जो OLS है ये तीन चीज़ें कंटेन करता है, जिसमें पहला है फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, दूसरा है TV कैमरा इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी के साथ, और जो तीसरी चीज़ है वो है मल्टी मोड लेज़र रेंज फाइंडर, जिसकी डिटेक्शन रेंज है 20 किलोमीटर्स की। तो ये ग्राउंड टारगेट को 20 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और सी टारगेट को 40 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। तो सिस्टम का फ़ायदा क्या है अब वो समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आपका एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है और एनिमी एयरक्राफ्ट को ढूंढ रहा होता है, तो पे रडार को ऑन रखता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं वो सर्च कर रही होती है टारगेट को। तो जो एनिमी एयरक्राफ्ट होता है उसमें रडार वार्निंग रिसीवर्स लगे होते हैं, जो उसे बताते हैं कि कोई एनिमी रडार है वो आपको स्कैन कर रहा है। तो इसमें एनिमी सतर्क हो जाता है और बचने के लिए कई सारे काउंटर मेजर्स करने लग जाता है, चाहे वो मनवरिंग हो या एस्केपिंग हो या फिर जो जो कुछ कर सकता है वो करता है अपने आप को बचाने के लिए। तब इस सिचुएशन में उसको टारगेट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर जो OLS सिस्टम है, आप रडार बंद करके OLS के थ्रू अगर स्कैन करते हो तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि उसको कोई देख रहा है या उसका पता लगाया जा चुका है। तो ये एज अ साइलेंट किलर काम करता है। आप OLS को यूज़ करके अपनी मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज में जो इन्फ्रारेड सीकिंग मिसाइल्स होती हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं OLS को यूज़ करते हुए, और ये स्टेल्थ किल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है। कॉकपिट की बात करें तो ये ग्लास कॉकपिट बनाया गया है, पर ये कंप्लीट ग्लास कॉकपिट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एनालॉग डिस्प्ले दिए गए हैं। मुख्यतः इसमें दो मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले लगाए गए हैं, और जो हेडअप डिस्प्ले है उसको भी नया लगाया गया है। साथ ही साथ इसे होटास कैपेबल बनाया गया है, यानी कि हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक। इसका मतलब मैक्सिमम जो आपके कंट्रोल्स हैं या तो वो थ्रॉटल के पास होंगे या तो वो स्टिक पे होंगे। बाकी इसमें नया मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है, और जो नेविगेशन सिस्टम है वो फ्रेंच साफरान का सिग्मा 95N है, जो GPS प्लस ग्लोनास मॉडल को यूज़ करता है, और हमारे सुखोईज में भी सेम सिस्टम लगा हुआ है। बाकी इसमें एक नया वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी दिया गया है, और साथ ही साथ डिस्प्ले मैप जनरेटर भी दिया गया है। तो इसमें दो मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले लगे हैं जो 6x8 इंचेस के LCD MFDs हैं, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यही डिस्प्ले करते हैं। बाकी इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है उसका नाम है D29, और इसको DRDO ने डेवलप किया है दो कंपनियों के साथ मिलकर, एक इजरायली एलिसरा है और दूसरी इटालियन इलेक्ट्रॉनिका है। तो ये AESA बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और इंडिया में यूज़ होने वाला सबसे एडवांस EW सूट है। तो ये मल्टीपल चैनल से एनिमी सिग्नल को कलेक्ट करता है और उसको सेंट्रल कंप्यूटर में देता है प्रोसेस करने के लिए, और उसके अनुसार काउंटर मेजर्स अप्लाई करता है जो आने वाली मिसाइल से इसको बचाते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है एक रडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का है। इसकी रेंज को और बेटर बनाने के लिए इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी दे दिया गया है, जो कि रिट्रैक्टेबल है। रिफ्यूलिंग के समय बाहर आता है, वैसे अंदर ही रहता है। इसमें जो इंजन है उसको चेंज करके RD-33 का 3 सीरीज़ का इंजन लगा दिया गया है। इसके थ्रस्ट नंबर्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, पर इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है और लाइफ है वो एक्सटेंड हो गई है। साथ ही साथ जो इसका स्मोक का इशू था कि स्मोक काफ़ी ज़्यादा इंजन करता था, तो ये नए इंजन में थोड़ा सा कमी आई है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो फाइनल चीज़ है वो है हेलमेट माउंटेड साइट। अब ये चीज़ में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कई तरह के पिक्चर्स सामने आई हैं। तो जो इंडियन नेवी का MiG-29K है वो यूज़ करता है टॉप साइट 1 HMD, जिसको फ्रांस की थेलिस और इंडिया की सेमटेल कंपनीज के JV ने बनाया है। पर MiG-29 UPG की टेस्टिंग में कभी कभी जो हेलमेट दिखा है वो दिखने में इसराइल के एल्बिट सिस्टम का डैश हेलमेट लगता है। जो कुछ वीडियोस आए हैं MiG-29 UPGs के, जो कि ऑपरेशनल है इंडिया में, उनके हेलमेट को देखकर लगता है कि ये रशियन शेल 3UM है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सेम हेलमेट है जो कि MiG-21 Bisons और Su-30 MKIs यूज़ करते हैं, और ये हेलमेट में अलग से लगाए जा सकते हैं। तो इसका जो सेंसर और साइट है वो अलग से नॉर्मल हेलमेट में लगाया जा सकता है उसको HMD बनाने के लिए।
बाकी वेपनरी की बात करें तो ये जितने भी मॉडर्न रशियन मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो सब फायर कर सकता है। और इन फ्यूचर भारत में जो भी मिसाइलें बनेंगी, चाहे वो अस्त्र मार्क 1 हो, मार्क 2 हो, या फिर जो SFDR बनेगी, वो भी इसमें इंटीग्रेट होगी। तो करंटली मार्क 1 को इंटीग्रेट करने का प्लान है और डिफरेंट इंडिजिनस बॉम्ब्स भी इसमें लगाए जाएंगे। तो बाकी इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।